मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं एक डॉक्टर हूँ, चाहता हूँ आपको आपकी सेहत के बारे में अवगत करा सकूँ। आज हम जानेंगे कि आप अपनी बुद्धि रेखा को देख करके अपने बीमारी के बारे में कैसे जाने। बुद्धि रेखा जिसे हम हेडलाइन भी कहते हैं, ये हमारी हेडलाइन है, हेडलाइन है। इसमें यदि आपके स्टार्टिंग में जुपिटर माउंट के नीचे तक, जहाँ से जुपिटर माउंट के नीचे तक कोई भी आइलैंड जब का निशान डॉट बना हुआ है तो आपको डेफनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो माँ बाप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि आपके बच्चे में हाथ में जब आइलैंड डॉट है तो आप अपने बच्चों का कान का ध्यान रखें। आपके बच्चे की कंसंट्रेशन लो हो सकती है, आपका बच्चा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बच्चा बोलने में देरी कर सकता है, आपका बच्चा थथला कर बोलना पड़ सकता है, आप किस तरफ ध्यान दें। यदि आपका आइलैंड्स सैचुरन माउंट के नीचे जब का निशान है, जहाँ डॉट बना हुआ है, तो ऐसे बच्चों को भी टेंशन, डिप्रेशन, इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप किस फील्ड में देखना चाहिए, ये उम्र होती है 20 से 40 साल, ये उम्र है 20 साल। यदि आपका जब का चिन्ह जहां पर है सन माउंट के नीचे, यदि आपका जब का निशान जहां पर है, जहां बिंदु है, तो ऐसे जातकों को श्वास रोग, दमा, ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया, साइनेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका जहां पर जब का चिन्ह जो डॉट है, तो आप कृपया करके ईएसआर कराएं, सीआरपी कराएं, रेगुलर टेस्ट कराते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि इसके छुटकारा मिले। यदि आपका आइलैंड आपने पाया कि बुध क्षेत्र के नीचे आपका आइलैंड है जहाँ डॉट है, ऐसे जातक को अपने घर से अलग रहना पड़ सकता है। मैंने अपने 40 साल के तजर्बे में पाया है, वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों में ये साइन पाया जाता है। कोई ना कोई बहाना बनता है अपने परिवार से अलग रहने का, या ऐसे लोगों को पार्किंसोनिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, या टोटल डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं चाहता हूँ दुनिया का हर आदमी अपने हस्त की रेखाओं को देखे, समझे, जाने, उनसे गाइडलाइन ले। मैं एक डॉक्टर हूँ, चाहता हूँ कि लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकूँ, यही मेरा एक पर्पस है। मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्टिक को दुनिया को सिखला सकूँ, ये हमें क्या सिखलाती है, इसके क्या माने हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय सनातन।